हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू गेहूँ से। सो गेहूँ से बनेगा चूरमा का लड्डू बनने वाला है। तो मैंने ना सोचा आज वेदर अच्छा है, तो चलिए जी अभी मैं बना रही हूँ चूरमा के लड्डू। तो मैं आज ना गार्डन में मैं चूल्हे पे बनाने वाली हूँ। सो ऑलरेडी चूल्हा तो मैंने मेरा चूल्हा जला हुआ ही था, तो सोचा चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। सो मैंने ना यहाँ पर गेहूँ लिया है, तकरीबन 1.5 किलो गेहूँ है। सो इसको मैं अच्छे से पहले रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसको निकालूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने रोस्ट किया है, और अब इसको निकाल के ठंडा होने तक और फिर डालेंगे मिक्सी जार में। सो अभी मैं मिक्सी जार में ले लूँगी, ठंडा हो गया है। मिक्सी जार में अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो अभी इसको ग्राइंड करने के बाद अभी इसको निकाल लूँगी, और बाकी के सारे भी ऐसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो हमारा ये है अभी ग्राइंड कर रहा है। तो इस तरीके से अभी हमने आटा बनाया है। तो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ज़्यादा गहरा भी नहीं रखना है, कुछ मीडियम रखना है। सो इसके साथ अभी ये सब हो गया है, और साथ ही साथ मैंने इसको मुठिया भी बना लिया है। सो मुठिया मैंने बनाया वो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि क्या है कि मैं ना ऑयल चूल्हे पे रख के गई थी धीमी आंच पे। सो ऑयल ना तो जल्दी जल्दी गर्म हो गया, चूल्हे पे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो जल्दी जल्दी ऑयल हो गया गर्म। सो जो मुठिया कैसे बनाया वो उसका नहीं ले पाई हूँ। सो मुठिया में मैंने ऑयल मूर में ऑयल डाला है, और पानी डाल के उसका मुठिया बना लिया है, और जल्दी जल्दी मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। सो यहाँ पर मैंने आधे तो फ्राई कर लिए है, आधे फ्राई हो रहे है, और आधे अभी बाकी है। सो जो ये फ्राई हुआ है उसको ना मैं अभी एक अलग से बाउल में निकाल के इसको भी दस्ते से छोटे छोटे पीसीस में उसको छोटे छोटे पीसीस बना लूँगी, ताकि क्या है ये ना ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और मेन टास्क है हमारा स्टार्टिंग से लेके यहीं तक का हमारा जो मेन टास्क होता है, और उसके बाद ग्राइंड करने का टास्क है। उसके बाद तो ईजी बन जाता है लड्डू। तो यहीं पे देखो सारा लड्डू को मैं अभी इसको ये दस्ते से इसको छोटे छोटे कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए तेल गर्म था, तो भूंगरे भी तल दिए हैं। तो सारे के सारे हो गए हैं अभी, और अभी बाकी के जो है उसको भी मैं अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं अभी इसको फिर से मिक्सी जार में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ना मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो ये ऑलमोस्ट अभी हो ही गए हैं, और अभी इसको मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो स्मूथ का हमें इसको ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से मैंने ग्राइंड किया हुआ है, और सारा जो भी इन्ग्रीडियंट जाएगा वो सारा कुछ लेके आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। सो मैंने सिर्फ काजू एंड बादामी लिया है। सो अभी इसको मुझे बाउल छोटा लगा, तो मैं ना अभी बाउल को अभी ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे बाउल में। सो ये सारा मुझे कम लगा, तो दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको मैं देख लूँगी अच्छे से, इसमें लम्स वगैरह कुछ है तो मैं अभी निकाल सकती हूँ। तो सारा का सारा अभी मैंने डाल दिया है, और अभी इसको अच्छे से मैं देख लूँगी, क्योंकि क्या है फिर लम्स रह जाएगा तो खाने में फिर मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो अगर स्मूथ सा जो लड्डू आए खाने में इतना टेस्ट लगता है कि क्या बताऊँ मैं अभी। सो अभी मैं देख रही हूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद ना मैं आज ना बनाने वाली हूँ वो शुगर में बनाऊँगी। सो मैंने ना सारा कुछ अभी ले लिया है, सारा कुछ अभी चेक कर लिया है, और अब जाएगा जायफल। जायफल को मैं चाकू की मदद से भी इसको थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी पतली पतली स्लाइसिस में। और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इलायची, और इलायची डाल के फिर चाहेगा शुगर, घी एंड सब कुछ। अगर आप चाहे तो आप उसको गुड़ में भी बना सकते हैं, शुगर में बनाने वाले हैं। तो ये हो गया है ग्राइंड, अभी चाहेगा 1 टेबल स्पून इलायची। तो 1 टेबल मैंने डाली है, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं फिर से डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। और अभी शुगर की बारी है। सॉरी,
जैसे मैंने शुगर ले निकाली और देखो ये भाई साहब आ गया है शुगर खाने के लिए। ऐसे शुगर खाता है कि क्योंकि कुछ खाने की चीज खाने की चीज़ तो है लेकिन क्या है कि ये ऐसे खा रहा है ना, तो मुझे डर लग रहा है अगर इसको शुगर खाने से सर्दी हो जाएगी तो क्या करूँगी मैं। तो भी ये मान भी नहीं रहा है, देखो अभी तुरंत ही हाथ डरने लग गया है इसमें। जो मैंने अभी इसको भेजा है बाउल लेने के लिए, तो अगर ये बाउल लेके आएगा तब तक तो मैं अभी ये जो पिसा हुआ काजू एंड बादाम है वो भी डाल दूंगी और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो उसके बाद उसमें भी लंच वगैरह है तो मैं निकाल सकती हूँ। और मैंने छाना नहीं है, मैंने छोटा छोटा वाला ग्राइंड कर लिया है, इसको ज़्यादा मैंने ठीक नहीं रखा है। ये भाई साहब आ गया है तो अभी इसको थोड़ी सी मैं शुगर देने वाली हूँ और साथ ही साथ और इसको भी शुगर खाने की तो मैंने इसको नहीं दी क्योंकि वो ना स्कूल पे जाता है तो मैं उसको ज़्यादातर स्वीट नहीं खिलाती हूँ। तो विहान अभी घर पे है तो उसको खिला सकती हूँ मैं। और यहीं पे अभी घी की बारी, घी डाल दूँगी, घी डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये ना देसी शुद्ध घी है गाय का, इंडिया से हम लाते हैं, जब भी मम्मी जाते हैं पार्सल आता है तब ना हम गाय का घी मंगाते हैं। तो पता नहीं हमारे घर पे कितना सारा घी हम लोग खाते हैं वो तो अभी पता नहीं है, साल में तो अराउंड 15-20 किलो हो जाता है घी और उससे भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नहीं होता है तो हम यहाँ से घी का डब्बा लेके खाते हैं। तो देखते देखते मैंने देखो सारा घी डाल के फिर अच्छे से अभी मिक्स करने लगी हूँ। इसको मिक्स करके फिर उसमें देख लूँगी, सो अगर मुझे कम लगेगा तो मैं वापस उसको वापस उसमें घी डाल सकती हूँ। सो यहाँ पे मुझे अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि देखो अगर ये ना हम देखाऊँगी वो भी फिर से मैं डालूँगी घी। ये गया घी और अभी इसे फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको जितना आप अच्छे से मिक्स करोगे उतना अच्छा लड्डू बनेगा। सो पूरा बाउल हो जो बाउल है उसको घुमाते हुए मैं अभी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अभी ये हो गया है। सो आप ऐसे सेक कर सकते हैं हाथ में, वो लेके आप दबा सकते हैं तो अगर ये ना चिपक जाए एक साथ में आ जाए तो आपका घी बराबर है। तो यहीं पे मुझे थोड़ा और कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाला है दूसरी बोतल में से। सो अभी देखो मैं फाइनली अभी इसको गोल गोल करने लगी हूँ, लड्डू की शेप में लाने लगी हूँ। तो अभी ये हो गया है लड्डू रेडी और चूल्हे पे बनाया था तो थोड़ा देखो अलग सा टेस्ट लगेगा। और ऐसे ही मैं सारा लड्डू बना लूँगी अभी। सो अभी देखो दो तो बन गए हैं, ये तीसरा भी बन गया है। और अभी ना बड़े भैया भी आ गए हैं, सो बड़े भैया मुझे ना हेल्प करेंगे लड्डू बनाने में। सो मैंने ना भैया को बोला इसमें शुगर वगैरह कुछ डालना है तो अभी डाल सकते हैं। तो भैया ने बोला टेस्ट किया तो अभी बोला कि नहीं अभी शुगर ठीक है, इसमें ज़्यादा अभी शुगर नहीं डालने हैं। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं चलिए जी अभी तो लड्डू जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं। और ये भाई साहब देखो अभी राम राम सीताराम भी, इसको राम राम सीताराम देखू एंड जिहान है जो कि हमारा कैमरा मैन है तो वो ना अभी वीडियो शूटिंग कर रहा है और मैं भैया अभी लड्डू बना रहे हैं। तो उसके बाद फिर खाएंगे, एंजॉय करेंगे और क्या। और ये दोनों भाई साहब बैठ गया है, बड़े भैया आया ना तो अभी विहान ना साइड पे एक साइड पे बैठ गया है, वो ना बहुत ज़्यादा डरता है बड़े भैया से। सो देखो भैया अभी बातें चल रही है अभी हमारा कैमरामैन के साथ। सो कोई नहीं अभी इसी तरह सारे के सारे लड्डू बना लेते हैं, ऑलमोस्ट अभी बन ही गए हैं, थोड़े बहुत बाकी है। सो थोड़े बहुत बाकी है, इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं और बनाने के बाद सबको एक एक लड्डू शेयर करूँगी और उसके बाद रिव्यू लूँगी कैसा बना है लड्डू। तो भाई बातों बातों में अभी लड्डू पूरे सारे हो गए हैं रेडी, जो उसमें ना ऊपर से हमने पॉपी सीड डाला है इसमें ऊपर से। तो अगर आपको ये पॉपी सीड नहीं डालना है तो भी ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शनल है। तो मैंने तो डाला है तो ताकि लुक्स अच्छा लगे। और अभी यहाँ पे बड़े भैया को भी ये लड्डू टेस्ट करवाने के लिए दिया है, सो वो भी ये खा रहे हैं और बताएंगे अभी रिव्यू कैसा है। तो मैंने पूछा तो अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा स्वीट ज़्यादा है, मैंने बोला स्वीट है कि थोड़ा मोड़ा लग रहा है, तो बोल रहे हैं स्वीट है। सो इतना ज़्यादा स्वीट तो नहीं है
और यहाँ पे बच्चे लोग भी बैठ गए हैं लड्डू लेके। सो कोई नहीं, आज की ब्लॉग अभी यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कर देना।